मैं हूं अर्पिता और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल अर्पिताज किचन एंड क्रिएशंस में। आज की ब्लॉग है बेलूर मठ का, जो कि है कोलकाता में और वो है हावड़ा ज़िले में। तो आज वहीं पे हम जा रहे हैं। ये है गंगा के किनारे में। यहाँ पे सारे धर्म के लोग आ सकते हैं और जो भी कोई भी धर्म को नहीं मानते वो भी लोग यहाँ पे आते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने अपनी अंतिम टाइम गुजारे थे। वो यहाँ पे किस जगह में अंतिम टाइम वो गुजारे थे मैं वो आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी। और विवेकानंद ने 1898 में श्री रामकृष्ण परमहंस का अस्थि को यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ पे है शारदा देवी का मंदिर भी है, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और विवेकानंद का यहाँ पे मंदिर है। मैंने टाइमिंग भी यहाँ पे दिखा दी है किस किस टाइम में खुला रहता है। और जो मंदिर हैं विवेकानंद, शारदा देवी और रामकृष्ण परमहंस का, श्री रामकृष्ण परमहंस का, उनके मंदिर में उनकी अस्थियाँ को यहाँ पे रखा गया है। हम लोग बेलूर मठ पहुँच के यहाँ पे एंट्री ले लिए थे और एंट्री के पास जो टाइमिंग था मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। और यहाँ पे आप बिना पैसे में अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल पूरा अलाउड है, लेकिन देखते हैं किस किस जगह पे अलाउड है और नहीं है, वो भी मैं आपको पूरा वीडियो में मैं दिखा दूँगी आपको और बोल दूँगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर एंट्री का कोई भी फीस नहीं है। ये है बेलूर मठ का जो मेन टेम्पल है, यही है वो। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे मोबाइल अलाउड है, लेकिन आप कैमरा का यूज़ नहीं कर सकते अंदर और फ़ोन का भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर बेलूर मठ आ रहे हैं तो आप दक्षिणेश्वर काली माँ का भी टेम्पल है वहीं पास में ही है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। वो मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बोल दूँगी कि कैसे आपको जाना है, क्या करना है। आप यहाँ से जा सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो में ही मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी। हमने मेन टेम्पल दर्शन करके यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का टेम्पल भी दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे ये जो बेलूर मठ है ये गंगा के किनारे स्थित है। गंगा के पश्चिम किनारे में ये बेलूर मठ यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे इनका ऑफिस है और ये वो जगह है जहाँ पे विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने अपनी लास्ट टाइम यहाँ पे गुजारी थी। और यहाँ पे ही इसी कमरे में उन्होंने समाधि लिया था। ये वो कमरा है। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस का जो ओल्ड टेम्पल है यहाँ पे है। यहाँ पे लोग पढ़ाई भी करते हैं। ये देखिए वो जो यहाँ पे पढ़ाई, स्कूल कॉलेज है यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं बहुत लोग रह के। जो यहाँ के शिष्य होते हैं वो यहाँ पे ही पढ़ाई करते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं समाधि पीठ। ये है समाधि पीठ उनका। मैं तो बोलूँगी अगर आप कोलकाता आ रहे हैं तो आप बेलूर मठ ज़रूर विजिट कीजिए और यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और यहाँ को देखिए, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। जो मेन टेंपल है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक इनर पीस मिलेगा जो कि बहुत ही शांत लगेगा आपको, माइंड बहुत पीस लगेगा। अगर आप कोलकाता आए हैं तो आप मायापुर भी ज़रूर विजिट कीजिए जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्कॉन है और वो भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये है माँ शारदा देवी का टेम्पल जहाँ पे शारदा देवी का अस्थिया यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे एक मतलब बुक्स की शॉप भी है, आप यहाँ पे बुक्स कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये है म्यूजियम जो कि आज बंद है तो हम म्यूजियम आज नहीं जा पाए। ये आप जब गेट में एंट्री करेंगे मेन गेट में, तब आगे आएंगे, थोड़ा आगे आएंगे तो वो लेफ्ट साइड में ही है, जब आप एंट्री करेंगे उसी के पास ही है। आज क्लोज होने की वजह से हम लोग म्यूजियम नहीं देख पाए और उसी के सामने, म्यूजियम के सामने टॉयलेट भी है, आप टॉयलेट वगैरह यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ कुछ लेते हैं और आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सुविधाएं हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रसाद लेके आते हैं और अगर आप यहाँ पे प्रसाद खाना चाहते हैं तो आपको टोकन पहले ही मिलेगा। देखिए कितना भीड़ है, आपको 10:30-11 बजे के बीच में आपको टोकन मिल जाएगा और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी पैसे दे के यहाँ पर खा सकते हैं। ऐसे नहीं है कुछ मतलब अमाउंट नहीं है कि उतना ही देना पड़ेगा, आप अपने मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं खुशी से। तो ये बहुत भीड़ था तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन किया है अंदर जाने के लिए। तो जब गेट खोलेंगे यहाँ पे टोकन लेके यहाँ पे छोड़ा जाएगा मंदिर के अंदर। देखिए अब सबको यहाँ पे छोड़ दिए हैं, टाइम हो गया है तो यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। ये है उनका प्रसाद हल, बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। आप आइए, अगर बेलूर मठ आएंगे तो ज़रूर प्रसाद खा के जाना। ये दिन में 11 या 11:30 में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे खिचड़ी देते हैं, टमाटर का एक मीठी सी सब्ज़ी देते हैं, रसगुल्ला और सलाद दिए थे। आप बहुत खुशी से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और आप जितना मर्ज़ी यहाँ पर ले कर फिर से मांग के खा सकते हैं। यहाँ का खिचड़ी की जो स्वाद है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे पानी पीने की भी बहुत सुविधाएं हैं और यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, नहीं तो और एक बार जाके मंदिर सारे दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। और वो है दक्षिणेश्वर काली माँ का जो टेम्पल है वहीं पर मैं आपको दिखाऊँगी और पूरा डिटेल्स बताऊँगी वहाँ पर कैसे जाना है और क्या जाना है। तो इसी वीडियो में मैं रहती हूँ, चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।